गुलबर्गा शहर के हफ्त गुम्बद मौलाना आजाद चौक पर 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी प्रेसिडेंट मायावती का 67th बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया है। गुलबर्गा बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदारों ने मायावती के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर बीएसपी पार्टी को मजबूत करने की गुजारिश की है। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद मीडिया से बात करते हुए गुलबर्गा बीएसपी पार्टी लीडर्स ने कहा, देश की आजादी के बाद से अब तक पहले कांग्रेस और अब बीजेपी इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी हर मजहब के लोगों को साथ लेकर देश को जोड़ने की बात करती है। कर्नाटका स्टेट के 2023 इलेक्शन में लोगों से बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट की गुजारिश की गई है। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। और जय भीम। सब मेरे साथियों को मायावती जी का जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं कि हम माइनॉरिटी समाज के तरफ से हम एक सात गुम्बद चौक पे फंक्शन रखे हैं मायावती जी का। हम यही शुभकामना देते हैं कि जितना हो सके उतना हमारे देश को आगे बढ़ाएं और आने वाले टाइम पे प्रधानमंत्री के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। हमारे माइनॉरिटी समाज उनके साथ रहेगा, खांधे को खांधा लगा के ठहरेगा और कर्नाटक में माइनॉरिटी समाज भी और जागेगा और चोर लुटारे भागेगा। बहुजन समाज जन्मे हुए महापुरुषों को याद करते हुए खास कर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, पेरे रामेश्वर नारायणगुड़ू, टीपू सुल्तान और विश्वभूषण परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर कांसी साहब विचार को सर झुकाते हुए आज के तारीख में हमारे नेता भैन कुमारी का 61 का बर्थडे, उनको शुभकामना देते हुए। साथियों, आपको मालूम है कि भारत देश में क्या चल रहा है क्या नहीं आप लोगों को मालूम है, फिर भी थोड़ा हम लोगों को तुमको याद करना चाहते हैं। भारत देश आज़ाद होकर 75 ईयर हो गए, संविधान लागू होकर 72 ईयर हो रहे, मगर अभी तक कुछ भी नहीं हो गए। भारत देश चिड़िया का घर थे वो उल्टा जा रहा है। कांग्रेस वही काम कर रहे हैं और बीजेपी उसके फास्ट काम कर रहे हैं। इस वास्ते बहुजन समाज को जागृत होना जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी ये नेशनल पार्टी है, भारत देश का तीसरा नंबर, मगर चुनाव तो 5 साल को एक बार होते हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी हर दिन का काम होते हैं, क्योंकि गरीबों का काम होने दो, महापुरुषों का विचार होने दो, संविधान बचाव होने दो, इसके बारे में चिंतन मंथन करके हमारा लोगों को बहुजन लोगों को जागृत करने का काम करते हैं। साथियों, ये बहुजन समाज पार्टी है बोल के सबको मर्यादा है, रेस्पेक्ट है, सम्मान है। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं है तो हम तुम कुछ भी नहीं है। इस वास्ते हमारा सब लोग करते हुए भारत देश में 97% है बहुजन, ये सभी लोग करते हुए संविधान को बचाना, भारत देश को बचाना, ये भारत हमारा है, भारत देश को बचाना हमारा सब लोग करते हुए। मगर ये मनीवादी लोग क्या बोलते हैं, संविधान ठीक नहीं। अरे तुम क्या ठीक नहीं है बोलते, पूरा विश्व बोलते भारत का संविधान नंबर 1 में है, ऐसा संविधान कहाँ पर भी नहीं है। इसको सब लोग रेस्पेक्ट देते, प्रचार करते, मगर इस कुछ लोग 3% लोगों ने संविधान बराबर नहीं बल्कि हम लोगों को तैयार कर रहे, हमको झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे। भारत का संविधान सबको मर्यादा है, सबको रेस्पेक्ट दिए, सबको वोट डालने का हक दिए, पढ़ने का हक दिखे, नौकरी करने का दिखे, खेत करने का वाले के लिए, ये सब संविधान कहाँ पर भी नहीं है। ये बाबा साहब ने लिखे है सब लोगों के लिए, ये बाबा साहब ने बहुत कट लेकर पूरा भारत देश के बच्चों को मेरा बेटा समझ कर अपना 3 बच्चों को कुर्बान कर संविधान लिखे है। इस वास्ते बाबा साहब का उनको ये करना है तो रेस्पेक्ट देना है, तो हम संविधान बचन से है, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, वोट हम इस्तेमाल नहीं बराबर नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब का इच्छास थे इस देश को रूल करना मेरा आंखों में थे, बाबा साहब हमने ये करे है। कांशीराम साहब का भी वही विचार था इस देश में रूल करना बोले, हाँ कांशीराम ने थोड़ा लेकर आकर यूपी में इस भारत देश का हार्ट है। आप लोगों को मालूम होंगे मायावती ने 1 बार नहीं 4 बार मुख्यमंत्री हुए। आप लोग जिंदगी में 1 बार तो लखनऊ जाकर आना, मायावती बींग एक लेडीज़
औरत होकर क्या क्या काम है, सम्राट अशोक किया है ऐसा काम किया है, आप लोग देखकर आने के बाद तुमको मालूम होते ऐसा काम किया है बहन जी ने। हाँ, इस बात से बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। हाँ, आप लोग सुन रहे होंगे मस्जिद में माइक बंद करो बोल रहे, हाँ मटर मत खाओ, चिकन मत खाओ, ये सभी चल रहे हमारे ऊपर, एक एक के ऊपर एक एक तरफ से चल रहे। इस बात से हम लोग बहुजन समूह 97% लोगों को एकजुट कर तैयार होकर चुनाव भी लड़ना है और उसके साथ टक्कर भी लेना है। हम बायलेट्स पे टक्कर लेना है और बुलेट्स पे टक्कर लेने, इस बात से आज फिर एक बार आप लोगों को बहन जी का शिक्षक बर्थडे में सम्मान देते हुए हम आश्वासन देते हैं बहन जी को, इस बात से कर्नाटक से 224 से 25 से लेकर 50 MLA बनाकर हम बहन जी को गिफ्ट देने का हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं आपके सामने। आज के साथ में आपका वोट है, मेरा भी वोट है, तुम्हारा भी वोट है, हम लोग प्रचार करना है, यही है हमारा पेपर, यही हमारा मीडिया है, यही हमारा टीम है। सबको धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में सिटी यूनिट के तरफ से बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, चार बार मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी का 67th बर्थडे एनिवर्सरी हम पूरे देश में जन कल्याण दिवस मना रहे हैं कि जिसके SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लिए बहन जी ने बहुत काम किया है और UP के उनके सरकार में एक कुटुंब को, एक घर को 3-3, 4-4 एकड़ दिया है, 1,10,00,000 एकड़ जमीन ने उन्हें बांटे है, कई रोजगार दिए है। और जिस यूपी में औरत उनका रेप होता था, मर्डर होता था, उन्होंने बहन जी ने औरत और लड़कियों को 2,00,000 लाइसेंस दिया, गन का लाइसेंस, ऐसा कोई भी नहीं किया पूरे भारत देश में। अभी बोल रहे हैं डबल इंजन सरकार रहना है बोल के, फिर भी वो लोग कुछ ही अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अभी बेटी भी नहीं बच रहा, बेटी भी नहीं पढ़ रहे। इसलिए आने वाले दिन में 2024 में हमारा मिशन है कि बहन कुमारी मायावती जी को हम इस देश के प्रधानी देखने के लिए तैयार है। इसलिए पूरे बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी पूरे दिन रात लगा के हम काम कर रहे हैं उनको इस देश का प्रधानी बनने के लिए। बंधु एलू जय भीम, इवतु नम बहुजन समाज पक्षद राष्ट्रीय अध्यक्ष आगिरंत अक्क मायावती वजयवर 67th हुट्टुहब्बद कार्यक्रम ना गुलबर्गा नार्थली अति विजृंभणेदेव। ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯ ದಿನ, ಯಾಕಂದರೆ ಗುಲಾಮಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ರಾಜಕಾರಣ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ದಿನ ಇವತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಮಗಳು ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ದಿನ, ಬಹಳ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ SC ST OBC ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾದಾಗ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದಲಿತರ ಪರವಾಗಿ, OBCಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಾಯಕರಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಅಕ್ಕ ಮಾಯಾವತಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಕ್ಕ ಮಾಯಾವತಿ ಜಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು। BSP क्या करेगी? संता का संघर्ष करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद BSP जिंदाबाद।